हाउ टू बैकअप वर्डप्रेस वेबसाइट, इस टॉपिक को अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो इनमें से मैक्सिमम वीडियोस में किसी न किसी प्लगइन को बेस्ट बैकअप प्लगइन का दर्जा दिया गया है। बट ट्रस्ट मी, बैकअप के लिए आपको किसी भी प्लगइन की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको तीन ऐसे तरीके बताऊंगा जिनका यूज करके आप बहुत ही आसानी से सिर्फ एक से दो क्लिक में अपनी पूरी वर्डप्रेस वेबसाइट का बैकअप ले सकते हैं। और लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो उसे सुनकर ही जाइएगा। आपको अपने होस्टिंग के डैशबोर्ड को ओपन करना है और वहां पर आपको सी पैनल का एक ऑप्शन दिखेगा। जैसे मेरे केस में यहाँ पे मुझे लॉगिन टू सी पैनल का एक ऑप्शन दिख रहा है। अदरवाइज सिंपली आप क्या करेंगे, एड्रेस बार में अपना यूआरएल टाइप करेंगे, अपना डोमेन नेम टाइप करेंगे और सिंपली यहाँ पर स्लैश देकर के आप लिख देंगे सी पैनल। जैसे ही आप स्लैश देकर सी पैनल लिखेंगे तो आपका सी पैनल यहाँ पर आ जाएगा, आईडी पासवर्ड देकर आप लॉग इन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से जो हमारा लॉगिन टू सी पैनल है इस पर क्लिक करेंगे और हम अपने सी पैनल में आ जाएंगे। और ये वेबसाइट हमारा नहीं है, हमारे क्लाइंट का है, तो यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे कि डोमेन नेम वगैरह मैं ब्लर कर दूंगा। अब आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और फाइल्स के अंदर में आपको सिंपली यहां पर एक ऑप्शन दिखेगा बैकअप का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएगा। सबसे पहले अगर आपको फुल बैकअप लेना है तो आप यहां पर डाउनलोड और फुल बैकअप पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको फुल बैकअप जो है आपका डाउनलोड हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखला देता हूं, डाउनलोड फुल बैकअप पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां से आप होम डायरेक्टरी ही रहने दीजिएगा, हम होम डायरेक्टरी में ही बैकअप को जनरेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर एक ईमेल एड्रेस दे देना है जिस ईमेल पे ये आपको नोटिफाई कर देगा। इस तरीके का आपको कुछ ईमेल आ जाएगा जब भी आपका बैकअप रेडी हो जाएगा। बट मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, डू नॉट सेंड पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ ईमेल भी दे सकते हैं और जनरेट बैकअप पे क्लिक कर देंगे। अब क्या हो गया, यहाँ पर ये दिखला रहा है कि बैकअप जो है प्रोसेस में है। सिंपली हम यहाँ पर गो बैक कर देंगे। अब आप देखेंगे तो हमने जैसे ही बैक किया यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एक बैकअप हमें दिखला रहा है। इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे अवेलेबल बैकअप्स में से और ये हमारा डाउनलोड होना यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फुल बैकअप क्रिएट कर सकते हैं। और हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि अगर मुझे सिर्फ होम डायरेक्टरी का यानी पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल वाला जो होता है उसका अगर सिर्फ बैकअप चाहिए तो हम यहाँ से होम डायरेक्टरी पे क्लिक करेंगे तो उसका सिर्फ बैकअप यहाँ से आप देखेंगे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। उसके अलावा अगर आपको MySQL डाटाबेस का यानी कि हमारा जो डाटाबेस है उसका आपको बैकअप चाहिए तो सिंपली आपको यहाँ पर इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा डाटाबेस का बैकअप भी हमारा डाउनलोड हो रहा है। दूसरा तरीका भी बहुत सिंपल है, सिंपली आपको सीपैनल में आना है। अगेन आपको फाइल्स के अंदर में यहाँ पर बैकअप विजार्ड का एक ऑप्शन मिलेगा, ये भी लगभग सेम ही है। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे हम बैकअप पर क्लिक करेंगे तो बैकअप पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से फुल बैकअप को भी डाउनलोड कर सकते हैं या तो सिर्फ चाहे तो होम डायरेक्टरी को भी डाउनलोड कर सकते हैं, या तो अगर हमें सिर्फ डाटाबेस चाहिए तो वो भी हमें मिल जाएगा, या फिर हमें ईमेल फॉरवर्डर्स या फिल्टर्स वगैरह का बैकअप चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। जैसे हम फुल बैकअप पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब फिर से आपसे डायरेक्टरी वगैरह पूछेगा। एक जो अभी हमने डाउनलोड किया था बैकअप वो अवेलेबल बैकअप दिख रहा है, जनरेट बैकअप पे क्लिक करेंगे सेम प्रोसेस है वो डाउनलोड हो जाएगा। ये दिखला रहा है इन प्रोसेस, फिर से हम बैक करेंगे और फिर से उसी जगह पर आकर आ जाएंगे हम लोग। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ और भी जो ऑप्शंस था इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ फाइल्स चाहिए या फिर सिर्फ डाटाबेस वगैरह का बैकअप चाहिए। जैसे मुझे सिर्फ डाटाबेस का चाहिए तो इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे डाटाबेस पे और ये हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तीसरा तरीका भी बहुत सिंपल है लेकिन यहाँ पे आपको कुछ थोड़ा सा मैनुअल काम करना होगा। क्या करेंगे हम, सीधा आ जाएंगे यहाँ फाइल्स के अंदर, फाइल मैनेजर। सबसे पहले हम फाइल्स का बैकअप ले लेंगे अपने होम डायरेक्टरी रूट डायरेक्टरी का, उसके बाद हम अपने डाटाबेस का बैकअप लेंगे। तो फाइल मैनेजर पे आप क्लिक करेंगे, यहां पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल वाला हमारा डायरेक्टरी मिल जाएगा। बस अब इस डायरेक्टरी के अंदर आने के बाद यहां पे आप देखेंगे पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल में है अभी हम। हमें यहां पे क्या करना है, सेलेक्ट ऑल करना है। सेलेक्ट ऑल करने के बाद यहां ऊपर में कॉम्प्रेस का ऑप्शन दिखेगा, कॉम्प्रेस पे क्लिक करेंगे और यहां से हम जिप को सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे आएंगे यहां पर आप देखेंगे डॉट जिप से पहले जो है ना हम इसे नाम दे देंगे, इसको हम हटा देते हैं इस नाम को और यहां पर हम लिख देते हैं टुडे बैकअप। हमने यहां पर लिख दिया टुडे बैकअप और यहां पे हम क्लिक करेंगे कॉम्प्रेस फाइल पे। अब ये थोड़ा सा आपका टाइम लेगा और जो है जितना आपका साइज होगा आपके वेबसाइट का उस हिसाब से और ये आपको कॉम्प्रेस करके दे देगा। यहां पर आप देखिए बात करते करते हमारा कॉम्प्रेस हो चुका है और हम क्या करेंगे यहां से क्लोज पे क्लिक कर देंगे और यहीं पे पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल के अंदर ही हम क्या करते हैं एक बार पहले इसको रिलोड कर लेते हैं। अब हम खोजेंगे वो कहां है फाइल, यहां पर देखिए यहीं पे हमें दिख रहा है टुडे बैकअप नाम जो हमने अभी दिया था। अब हम इसको
सेलेक्ट करेंगे, एक बार आप इस पे क्लिक करेंगे ये सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए ये हमारा फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, टू डे बैकअप। अब जब हम लोग इस फाइल को डाउनलोड कर ही चुके हैं तो इस फाइल को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि इसका तो हमें कोई काम नहीं है, ये हमने जस्ट बैकअप क्रिएट किया था और इसको हमने डाउनलोड भी कर लिया है। तो इसको आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो आपको डिलीट का ऑप्शन दिख जाएगा। सिंपली आप डिलीट पे क्लिक कर दीजिए और इस पे हम क्लिक कर देंगे ताकि ये ट्रैश बिन में ना जाए और परमानेंटली डिलीट हो जाए। उसके बाद हम कंफर्म करेंगे, ध्यान से यहाँ पर से जो है सेलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज उसके बदले आप किसी और फाइल को ही ना डिलीट कर दे। ये तो हो गया हमारे फाइल्स का बैकअप। अब हम चलते हैं अपने डाटाबेस का बैकअप लेने के लिए। उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, डाटाबेस के अंदर आना है और पीएचपी माई एडमिन का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, यहाँ से अपने डाटाबेस को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर ये वाला डाटाबेस है, तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ये डाटाबेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, एक्सपोर्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ये क्विक वाला जो ऑप्शन है ना इसको ही आप सेलेक्ट रहने दीजिएगा और यहाँ से हमारा एसक्यूएल ही रहेगा। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली हम एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे और आप देखेंगे ये हमारा डाटाबेस डाउनलोड हो गया। मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो वो बात ये है कि मैन्युअली बैकअप लेने का मैंने सबसे आसान और सिंपल तरीका आपको बता दिया है, बट अभी भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको या तो कुछ प्रॉब्लम हो या उनको मैन्युअली बैकअप लेना ही नहीं है। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको प्लगइन का यूज करके बैकअप लेना बताएंगे, और हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक वो वीडियो अपलोड हो चुका हो, तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।